हिमाचल प्रदेश में कुदरत की विनाश लीला एक बार फिर शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे से आसमान से बरस रही आफत ने बड़े बड़े पेड़ों को धराशाही कर दिया। शिमला फॉरेस्ट कॉलोनी में 10 से ज्यादा पेड़ों के गिरने से कई गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। पेड़ ही नहीं, लगातार बरस रही आसमानी आफत से बड़े बड़े पहाड़ों ने भी घुटने टेक दिए हैं। बिलासपुर में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आ गिरा है और आवाजाही रुक गई है। लगातार बारिश से मलबा हटाने के काम में दिक्कत आ रही है। पूरे हिमाचल में 600 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही ठप है। मंडी के चुनहन में बादल फटने के बाद यहां के नाले दरिया में और रिहायशी इलाके समंदर में तब्दील हो गए। घरों में पानी घुस गया और कारें पानी में कागज की नाव की तरह बह रही हैं। सैलाब में फंसे 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन कुछ मवेशी पानी में बह गए। हिमाचल के सिरमौर में भी बारिश से भारी तबाही हुई है। यहां 30 से 40 बीघा जमीन बह गई है। एक गौशाला सहित 3 पशु पानी के साथ बह गए। हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून रौद्र रूप धारण किए हैं। राज्य में अब तक 257 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 7020 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 7 पर मील के पास बादल फटने से तबाही मच गई, जिस वजह से टूरिस्ट वॉल्वो बसें ट्रक समेत कई गाड़ियां बह गईं। बादल फटने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।